आज संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 22 को पेश किया जाएगा बजट। विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। सोमवार को पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के मंडप में विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेगी। योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। विधानसभा में रविवार को आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानमंडल का बजट सत्र को 6 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी दी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शनिवार को भी सत्र संचालित किया जाएगा। प्रतिदिन का एक एजेंडा उसी दिन समाप्त करना है, इसलिए सदन की कार्यवाही देर शाम तक भी संचालित की जाएगी। 21 फरवरी को अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। 22 फरवरी से ही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। बैठक में तय किया गया कि 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी, उसके बाद 4 दिन बजट पर चर्चा होगी। 6 मार्च तक सदन आहूत किया जाएगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सभा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, विधायक लालजी वर्मा, बसपा विधायक दल के नेता उमा शंकर सिंह मौजूद थे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई कि विधानसभा के सत्र संचालन का कार्यक्रम 10 मार्च तक जारी किया गया है, लेकिन 7 और 8 मार्च को होली का अवकाश है। उसके बाद क्षेत्रों में होली मिलन समारोह शुरू हो जाएंगे। ऐसे में सदस्यों का वापस विधानसभा सत्र में शामिल होना मुश्किल होगा, लिहाजा सदन की कार्यवाही को 6 मार्च तक ही संचालित किया जाएगा। सभी दलों के सदस्यों ने इस पर सहमति दी है।